शहर हैदराबाद में वाक़ मुराद नगर में मौजूद एक फंक्शन हॉल में जश्न मीलादुन नबी के पेश नज़र आसार मुबारक का अहतमाम किया गया था, जिसका मुशाहिदा करने यहाँ सैकड़ों अफराद पहुँचे। आइए देखते हैं आसार मुबारक की कुछ झलकियाँ। ये सालाना अज़ीम शान मरकज़ी जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम वो ज़ियारत आसार मुबारक का अहतमाम किया गया है। खानकाह आलिया मुक़द्दसा ख्वाजा चमन शरीफ की जानिब से और इस मुबारक महफ़िल की निगरानी तक़द्दुस मआब हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफ़री उल क़ादरी चिश्ती अल मारूफ़ बा हसन बाबा साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह आलिया मुक़द्दसा अज़ीमुल मर्तबत ख्वाजा चमन शरीफ फरमा रहे हैं। इस मुबारक महफ़िल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक हज़रत सैयदना अली हज़रत सैयदना इमाम हसन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आसार मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम किया गया है। और जो हमारे अजदाद काबतुल्ला शरीफ का गिलाफ़ मुबारक लाए थे वहाँ से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के मुक़द्दस गिलाफ़ को यहाँ पर लाए थे, उस गिलाफ़ के साथ हमारे ख़ानदान के जो मुक़द्दस यहाँ पर तबर्रुकात की ज़ियारत का अहतमाम किया गया है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जौख दर जौख आ रहे हैं और आए हैं, ज़ियारत से मुस्तफीद होकर गए हैं। मैं तमाम हजरात के लिए बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए सारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फ़रमाएँ और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ अता फ़रमाएँ और सूफिया के इस पैगाम को हमेशा हमेशा आम फरमाएँ और सूफियाने इकराम के फैज़ से उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन।